नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, साल के अंत तक वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और साल 2022 की शुरुआत कैसे रहने वाली है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। सबसे पहले लेंगे थोड़ा छोटा सा जायजा कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है। हम यहां देख रहे हैं कैसे सिर का दिसंबर वायदा आज भी 6510 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन 6634 का हाई भी लगाया है, हल्की सी करेक्शन, बहुत ही मामूली सी। वहीं देख रहे हैं बिनौला खल का दिसंबर वायदा भी 2516 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन के साथ। बात करें यहां से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं धनिया का दिसंबर वायदा 8524 पर है और 8594 का ही लगा चुका है, 2% की तेजी धनी के अंदर बनती नजर आई है। और जीरे का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 16240 पर है, 1.25% की तेजी के साथ। और हल्दी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि आज हल्दी का दिसंबर वायदा भी इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र में जो कारोबार करता नजर आ रहा है 7530 पर कारोबार करता नजर आ रहा है 1.5% की तेजी के साथ। देख रहे हैं शाम के कारोबारी सत्र में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मसालों का वायदा बाजार काफी अच्छा खासा कारोबार करता नजर आ रहा है। तो मसालों में आगे कितनी तेजी रहेगी साल के अंत तक, ये सप्ताह कैसा रहेगा, साल के अंत तक क्या दाम देखने को मिलेंगे और आने वाला साल कैसा रह सकता है, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं यहाँ पे आज मसालों में काफी दिनों के बाद एक अच्छी रैली निकल के सामने आई है। देख रहे हैं धनिया 8500 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, वहीं 8600 के हाई से सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है। जीरा भी देख रहे हैं 16000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। और वहीं देख रहे हैं आज हल्दी भी काफी दिनों के बाद 7500 पर देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो तेजी है यहाँ से और देखने को मिल पाएगी, क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? देखिए, हल्दी की बात करें तो हल्दी प्राइसेस में डिमांड जो है ये लौट के आई है और उसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड है, लेकिन अभी भी फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि प्राइसेस जो है ये फर्दर अपसाइड सस्टेन करेंगे। एक रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिलेगी हल्दी में, रुझान यही लग रहे हैं कि 7400 के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है और वहीं अपसाइड में 7600 के आसपास की रेंज रहेगी। तो इसमें अभी फंडामेंटल्स इस तरीके के नहीं बने हैं कि हायर साइड में 7600 को क्लोज करके ये 8000 की तरफ मूव करेगी, तो वो चांसेस कम लग रहे हैं। अभी फॉर द टाइमिंग एक रेंज ट्रेडिंग जरूर देखने को मिलेगी, तो लोअर लेवल से बाइंग करके चल सकते हैं और जैसे फंडामेंटल्स में सुधार होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो है वो अपसाइड चलेंगे। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में भी डिमांड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और अराइवल्स जो है वो थोड़े कम है एक्सपेक्टेशन से, इसी वजह से प्राइसेस जो अपसाइड मूव कर रहे हैं। धनिया में जरूर हमें अपसाइड मूव और देखने को मिल सकता है, 8600 से 8800 के लेवल्स अपसाइड में अभी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से भी धनिया प्राइसेस हम बाय करके चल सकते हैं जी। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है साल 2021 के अंत तक मसालों में कितनी और तेजी देखने को मिल पाएगी और साल 2022 की शुरुआत मसालों के लिए कैसे रह सकती है? देखिए, मसाला पैक की बात करें तो ये साल के अंत तक हमें मसाला पैक में टर्मरिक थोड़ा सा एक रेंज में जरूर दिख सकता है, लेकिन जीरा और धनिया की बात करें तो ये बुलिश पैटर्न्स बनाते हुए दिख रहे हैं। जीरा में एक हल्की करेक्शन के बाद चांसेस ये लग रहे हैं कि दिसंबर के बाद 2022 में जीरा में अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है, लेकिन धनिया करंट लेवल से फर्दर बाइंग की साइड ही जाता हुआ दिख रहा है और 2022 के फर्स्ट 2-3 वीक्स में हमें करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी इस पे बेटर रहेगी जी। नहीं सर, मैंने जी बात करें अगर कैसे की, तो कैसे आज भी देख रहे हैं कि 6500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, हालांकि 6600 के ऊपर हाई भी लगा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह कैसे के अंदर 6600 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कैस्टर में ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में मूव करता हुआ दिख रहा है और चांसेस यही लग रहे हैं कि अगर डाउन साइड में 6450 को ब्रेक करता है तो फर्दर सेलिंग ही देखने को मिलेगी। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑयल सीड पैक जो है वो थोड़ा सा बाउंस ले रहा है और वहां से इसे अगर सपोर्ट मिलता है तो चांसेस लग रहे हैं कि अपसाइड में 6600 तो एक रेंज में ही इसे देखने को मिलेगा।
डाउन साइड में 6450 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। जब अगर इसके ऊपर ही कमोडिटी सस्टेन करती है तो बाइंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक करके चलना स्टार्ट करती है तो सेलिंग वीटनेस होगी। जी इससे रविंद्र जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है 2021 खत्म होते होते बिनौला खल में कैसे प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे और 2022 की स्टार्टिंग कैसी रह सकती है? देखिए कुकुड़ की बात करें तो कुकुड़ में चांसेस यही लग रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव करेंगे, क्योंकि कॉटन प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कॉटन एक ही चांस पे थोड़ा वीक हो सकता है अगर इसके अराइवल्स जो है वो अच्छे होना स्टार्ट हो जाए, जो भी अभी है भी है कि कपास में जो अराइवल्स आ रहे हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं फिजिकल में, तो चांसेस यही लग रहे हैं कि अगर अराइवल्स ज्यादा भी आते हैं तो भी प्राइसेस जो हैं वो इतने ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट जो है इंडियन फाइबर की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ग्लोबली, तो चांसेस यही है कि अपसाइड देखने को मिलेगी क्योंकि डिमांड जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है अभी फॉर द टाइम बीइंग, और अपसाइड देखने को मिलेगी कोकुड़ में। कोकुड़ के अपर साइड में 2022 के जो लेवल रहेंगे वो 2800 से 2900 की रेंज में रहेंगे अपर साइड में, अभी हम बिल्कुल लो पे हैं कोकुड़ में, तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं और अपसाइड में 2900 से 2800 के लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं। जी रविंद्र जी यहाँ से अगर नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो ग्वार में हमने काफी शानदार रैली आते हुए देखी है, जनवरी से अब तक लगभग 100% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है ग्वार गम। अब देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन 12,000 के नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है, 4% का लोअर सर्किट ग्वार गम के अंदर और 3% का लोअर सर्किट ग्वार सीड की कीमतों में आज लगता हुआ हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है जो NCDX ने एक्सचेंज पर जो मार्जिन बढ़ाए हैं क्या उसकी वजह से ये दबाव है या फिर फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है अभी इतने? देखिए इसमें एक रीज़न और भी है, एक्सचेंज का रीज़न तो है ही है, साथ में हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जो है वो भी डाउन साइड में मूव कर रहे हैं ऑलरेडी। क्रूड प्राइसेस में हमने देखा है कि लास्ट एक हफ्ते में क्रूड प्राइसेस कम से कम 3 से 3.5-4% की डाउन साइड देखने को मिल गई है, और वही चीज़ यहाँ पे ग्वार में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। ग्वार गम की बात करें तो हमने आज लोअर सर्किट पे कमोडिटी को मूव करते हुए देखा है, वहीं ग्वार सीड की बात करें तो इसमें भी सेलिंग बनती हुई दिख रही है, फर्दर सेलिंग इसमें विटनेस हो सकती है। ग्वार गम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो प्राइसेस 11,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और मेरे को चार्ट्स देख के जो लग रहा है वो 10,800 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में भी डाउनसाइड 6,000 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इस पे बेटर बन सकती है, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है ग्वार सीड का 5,800 के आसपास है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है चांसेस यही रहेंगे कि ये एक रेंज में ही ट्रेड करें। जी रविंद्र जी यहाँ से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 5,882 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, लगभग 6% का ऊपरी सर्किट आज सोयाबीन की कीमतों में हम देख रहे हैं। रविंद्र जी जो सोयाबीन 5,400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी, आज हम उसी सोयाबीन को देख रहे हैं कि 5,800 के ऊपर निकल चुकी है और 6 और 5,900 के बेहद करीब है। आपको क्या लगता है सोयाबीन की कीमतों में ये तेजी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए या फिर साल के अंत और 2022 की शुरुआत में भी रह सकती है? देखिए सोयाबीन की तेजी जो है ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तक सस्टेन कर सकती है, क्योंकि इसमें जो डिमांड है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है ऑयल मिल्स की तरफ से, और दूसरा इंटरनेशनली भी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं क्योंकि एंडिंग स्टॉक जो है वो कम है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अपर साइड में 6,000 से 6,200 तक की रेंज इसमें अभी भी देखने को मिल सकती है, और डाउन साइड में इसका 5,600 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जब तक 5,600 से ऊपर ही ये कमोडिटी सस्टेन करती है चांसेस ये लग रहे हैं कि 6,300 अपसाइड में इसमें देखने को जरूर मिलेगा। जी रविंद्र जी यहाँ से बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है कॉटन में आगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिस हिसाब से अभी डिमांड सप्लाई देखने को मिल रही है? देखिए कॉटन प्राइसेस क्रॉप कंसर्न की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई पे हैं, इस समय यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग एक छोटी करेक्शन देखने को मिलेगी इसमें, और छोटी करेक्शन जो है ये सपोर्ट
नियर टर्म जो सपोर्ट रहेगा इसका 30,900 के आसपास का सपोर्ट है, वहां तक एक करेक्शन देखने के बाद अगेन बाइंग इसमें इनिशिएट हो सकती है। जी रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या साल 2022 कॉटन के लिए अच्छा बेहतर साबित हो सकता है? शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एग्री कमोडिटीज के लिए ईयर 2022 जो है ये काफी पॉजिटिव रहने वाला है, और इवन मुझे ये भी लगता है कि अगला पूरा साल ही काफी अच्छा रहेगा एग्री कमोडिटीज के लिए, और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बेटर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन कर रही है तो वो चांसेस ये लग रहे हैं कि इनके जो प्राइजेस हैं ये थोड़ा अपसाइड ही मूव करेंगे। जी रविंद्र जी, आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन? देखिए आप सोया रिफाइन को हम बाय करके चल सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ पे पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1190 के नीचे, और अपर साइड में इसे टारगेट कर सकते हैं 1240 और 1260 को, और वहीं दूसरा हमारा रहेगा कॉटन को शॉर्ट करके चल सकते हैं, कॉटन में हायर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 32400 के अराउंड, वही डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 30900 का। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हमने देखा कि शाम के कारोबारी सत्र में एग्री पैक ठीक ठाक कारोबार करता नजर आ रहा है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनमें लोअर सर्किट लगते नजर आए, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आई है। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।